गजे चा चलदा देवी छत्र भंग स्तुर रंग में नौकाया सर्वसिद्धस्या दौलायम मरणम ध्वम। क्या इसका अर्थ है? मां लखना को नमन करता हूं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। हाँ जी, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि मां इस बार किस सवारी से आ रही है। उसका हिंदी अनुवाद है कि जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होती है तो अधिक वर्षा होती है, दुर्गा मां दुर्गा घोड़े पर सवार होती है तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं, और इस बार बुधवार के दिन मां दुर्गा जब भी आती हैं तो नौका पर सवार होकर आती हैं, जो कि सर्वसिद्धिदायक है, मनोकामना पूर्ति वाला माना गया है, समृद्धि देने वाला माना गया है। तो अपने आप में एक अद्भुत दिन है। उसी के साथ साथ खास तौर से नौका की सवारी, जो कि जल का कहीं ना कहीं परिचायक है, जल को भी दर्शाता है, तो कहते हैं अच्छी वर्षा होती है, फसल अच्छी होती है, खुशनुमा माहौल होता है, लोग संपन्न सुखी होते हैं। माँ दुर्गा का प्रस्थान का भी अपने आप में बहुत बड़ा मतलब है। इस बार माँ दुर्गा का जो प्रस्थान है वो गुरुवार को दिन हो रहा है। माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जा रही है तो कहीं ना कहीं मनुष्य को सुख शांति पूरे वर्ष देकर जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह नवरात्रि काफी खास रहने वाली है और काफी धनदायक रहने वाली है। अब इस एपिसोड में कैसे करें घट स्थापना, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, और नवरात्रि भर वो मां दुर्गा का कौन सा मंत्र जपें जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, वो बताएंगे। आपसे निवेदन, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो आता है सुबह 6:23 से 7:32 तक रहेगा, 1 घंटे 9 मिनट की अवधि रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ यही एक अवधि है? नहीं, तमाम जगहों पे देख रहा हूं लोगों ने सिर्फ एक ही टाइम दे रखा है, उस पर अभी बताता हूं। उसके पहले प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ हो रही? 21 मार्च 2023 को रात्रि से शुरू हो रही है 10 बजे के आसपास, 10:52 पर, और उसके बाद अगले दिन 8:30 तक 22 तारीख को प्रतिपदा तिथि रहेगी। बुधवार को दो बार मतलब 22 मार्च को दो बार बुधवार के दिन स्थिर लगने, पहला सुबह 8:50 से 10:47 तक, दूसरा दोपहर 3:19 से 5:32 तक। स्थिर लग्न पर घट स्थापना भी अच्छा माना जाता है, द्विज स्वभाव लग्न में तो अच्छा माना जाता ही है। तो आप खास तौर से शाम को तो मैं अवॉइड करना कहूंगा, लेकिन हाँ 8:50 से 10:47 के बीच एक दूसरा समय है, आप वहां पर भी कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर गए हैं, 8 बजे घर आ रहे हैं, तो अब वो पूछ रहे हैं कैसे करें, तो आप इस समय को भी प्रयोग में ला सकते हैं। अब अगली बात, किस समय बिल्कुल नहीं करना है? तो सबसे पहली बात, नवरात्रि का दिन आरंभ सुबह बुधवार से हो रहा है, अच्छा दिन है, नारायण का दिन है, इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। मीन और मिथुन में घट स्थापना अच्छी मानी जाती है। नवरात्रि की शुरुआत शुक्ल और ब्रह्म योग से हो रही है। द्विज स्वभाव लग्न, जो मैंने समय बताया सुबह 6:30 से 7:30 का, अच्छा रहेगा 6:23 से 7:32 का। और ओवरऑल ये नवरात्रि में आपको सिर्फ एक चीज का खास ध्यान रखना है, राहु काल पर घट स्थापना ना करें। राहु काल 22 तारीख बुधवार को होगा 12:28 से दोपहर 1:59 तक, मतलब 2 बजे तक। राहु काल के समय आप माँ दुर्गा की पूजा और कलश स्थापना शुरुआत ना करें। बाकी आपको मैंने समय दे दिया। अब क्या करें, घट स्थापना कैसे करें, और उसके लिए सर्वप्रथम एक नियम बताने जा रहा हूं। लोग घट स्थापना के बारे में तो आप हर जगह पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। घट स्थापना के लिए ईशान कोण का बहुत महत्व है। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा, डायरेक्शन। तो ईशान कोण पर ही घट स्थापना करिए, जिससे कि शुद्ध सुख समृद्धि का वास हो और माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न हो, घर में लाभ बरकत बनी रहे। अब कैसे करें घट स्थापना, तो लिख लीजिए जल्दी से या सुन लीजिएगा रिपीट करके। घट स्थापना के लिए प्रथम दिन मिट्टी का कलश लें, उसे शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित कर दें। घट स्थापना से पहले थोड़े चावल, इसके बाद कलश इसके ऊपर रखें, चावल के ऊपर,
कलश के ऊपर लाल चुनरी से नारियल बांध दें। याद रखें कि 1 रुपए का सिक्का जल में जरूर डाल दें, साथ ही कलश पर कलावा जरूर बांधे। कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाए। इस बात का ध्यान रखें कि जहां कलश की स्थापना कर रहे हैं वो जगह साफ सुथरी हो, साथ ही उसके ऊपर कोई भारी वस्तु, अलमारी वगैरह ना हो। इस छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ साथ इस बार खास तौर से गजकेसरी योग, बुद्ध आदित्य योग, हंस योग, शश योग, धर्मात्मा राजयोग बने रहेंगे। इस वजह से ये नवरात्रि बहुत खास रहेगी। नवरात्रि के प्रारंभ के समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जिसकी एक जिक्र बहुत कम होता है। ये नक्षत्र ज्ञान, खुशी, समृद्धि का माना गया है, सौभाग्य का सूचक माना गया है। तो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं ये नवरात्रि है खुशियों वाली। हर नवरात्रि ही खुशियों वाली होती है, लेकिन ये विशेष नवरात्रि है। अब क्या पूजा करें घट स्थापना के बाद? अपनी कुल देवी की पूजा आज के दिन करना बहुत शुभ रहता है। दूसरी बात, खास तौर से अगर आपको कुल देवी नहीं पता है तो आप किसी भी नगर में रह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो कालका जी का मंदिर बहुत फेमस है, उनकी पूजा आराधना कर लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए, हो सके तो मंदिर हो आइए। आप कानपुर में रह रहे हैं, माँ पारा देवी, माँ तपेश्वरी देवी, इनके माँ जंगली देवी, इनके मंदिर बहुत फेमस है, वहां दर्शन करिए। आप ग्रामीण क्षेत्र इटावा वगैरह में रहते हैं, माँ लखना के दर्शन कराइए। निश्चित तौर पर उनके दर्शन, उनकी आराधना, उनका स्मरण या कुल देवी का नाम पता है, उनके नाम से पूजा शुरू करिए। अब एक अचूक चीज देने जा रहा हूं, वो ये कि इस नवरात्रि 9 दिन हर रोज 12 बार राशि अनुसार आपको किस मंत्र का पाठ करना है, जिससे अगर आप रोजमर्रा बहुत ज्यादा पूजा में नहीं बैठ पाते हैं, 12 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लीजिए। सबसे पहले बात मेष राशि वालों की, ओम हीम उमा देव्यः नमः या ओम एम सरस्वत्यः नमः का पाठ करना है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की, ओम क्राम क्रीम क्रूम कालिका देव्यः नमः। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की, ओम दुम दुर्गा नमः। इन सब मंत्रों का पाठ 12 बार या 108 बार करना है राशि अनुसार। ये राशि चंद्र राशि हो सकती है या लग्न के अनुसार हो सकता है। कर्क राशि, ओम ललिता देव्यः नमः। सिंह राशि, ओम महासरस्वत्यै देव्यः नमः। कन्या राशि, ओम शूलधारिणी देव्यः नमः। तुला राशि, ओम ही महालक्ष्म्यः नमः। वृश्चिक राशि, ओम शक्ति रूपाय नमः या ओम क्लीम कामाख्याय नमः का पाठ कर सकते हैं। धनु राशि वालों, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का पाठ। मकर राशि वालों, ओम पाम पार्वती देव्यः नमः। कुंभ राशि वालों, ओम पाम पार्वती देव्यः नमः। मीन राशि वालों, ओम श्रीम हीम श्रीम दुर्गा देव्यः नमः इस मंत्र का पाठ ज्यादा से ज्यादा या 12 बार या 108 बार पूरी नवरात्रि भर करिए। कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की विशेष अनुकंपा होगी, जीवन में लाभ मिलेगा, जीवन में सदमार्ग पे आगे बढ़ के तरक्की हासिल करेंगे। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।